ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ఓਵਰੀਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਰਗਨਸ ਅਸੈਸਰੀ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਅ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡਸ दैट इज़ ग्लैंड्स और ऑर ग्लैंड्स, ग्लैंड एलस ऑफ ओवरी प्यूबिटी इन फीमेल एंड ऊजेसिस प्रोसैस बारे डिटेल पढ़ा सब तो पहला आप ग्लैंड्स के नाल कॉन्टिन्यू कराँगे बच्चे मैं पिछले अपने लैक्चर भी थानू दस्यास अज मैं थोन फिर दोबारा दस रही हाँ फीमेल का जो एक्सटरनल जेनेटेली हैगा उसके जिथे वेजाइनल ओपनिंग हूँ है उसते दोनों पासे पेयर ऑफ ग्लैंड होंगे है जिन्होंने असी बारथोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं बारथोलिन ग्लैंड्स जोड़े ने दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइना ऑरिफिस और बार्थोलिन ग्लैंड जो ने ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और जो कि दे हेल्प विच हेल्प करता है जो तो मेल अपने स्पम रिलीज़ करता है कोपूलेशन दे टाइम ते हेल्प करता है म्यूकस और पार्टोशन दे टाइम ते जो डिलीवरी होंगी है उस समय ये हेल्प करता है नौ नेक्स्ट अपना नैक्सट आप दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड डिस्कस कर जा रहे हाँ दैट इज़ कॉल्ड मैमरी ग्लैंड्स और ये बहुत सिंपल वे दे डायग्राम बनाया है थोड़ा तो मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वास्ते फीमेल बॉडी के आपू पता है जेडे मैमरी ग्लैंड है वो ब्रैसट है ब्रैसट के अंदर है वन पेयर ऑफ ग्लैंड है सो अगर इस एक्सप्लेन करने वास्ते जो तुम ध्यान देखो जोड़ा अगे थोड़ा प्रिट्यूडिंग पार्ट बनाया है दैट इज़ नोन एज निपल जड़ा फीमेल का निपल हैगा उसके बहुत सारे फिफ फिफ्टीन तो लैके ट्वेंटी फाइव ओपनिंगस होंगे ने स्पैशल वो पिछले लैक्टीफेरस ग्लैंडस ने ए लैक्टीफेरस ग्लैंडस हैं लैक्टीफेरस ग्लैंडस के ओपनिंग होंगे ने लैक्टिफेरस ग्लैंडस इनापनिंग हैं निप्पल दे जितों की जोड़ा बेबी है वह मिल्क सक करता है तो लैटअस ट्राई तो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मैमरी ग्लैंड अगर असी ह्यूमन ब्रेसट निकते हाँ तो वह बैक साइड के रिब्स है ने, और पैक्टोरैलिस मसल्स ने जिदे कि अटैच है ह्यूमन जड़ी फीमेल ब्रैसट हैगी है, है उसब्स मैं बनाए है इस तरह के इनू असी मैमरी लोब्स कहने और ब्रेसट के पंद्रह तो लैके फिफ्टीन तो लैके ट्वेंटी मैमरी लोब्स होंगे सो य so, सारे की मैमरी लोब्स ने अगर तुम ध्यान देखो जेडे हर एक मैम जिमें मैं तीन मैमरी लोब्स इतने अपने डायग्राम के शो किए हैं हर मैमरी लोब्टर ऑफ सैल्स हूँ जेडे कि यह बनाए हैं एक कलस्टर ऑफ सैल्स में आप एलबीओलीस कहने जिमें ग्रेप्स का बंच हूँ वह बहुत सारे ग्रेब्स लगे होंगे हैं इस तरह एक मैमरी लोब सारे कलस्टरस होंगे ने एलबीओलीज़ के इन्हों एलबीओलीज़ बोलते हैं और हर जेड़ा है का वो अपने अंदर मिल्क सिक्रीट करता है राइट बच्चे इट सिक्रीट्स मिल्क उस तो बाद जो मिल्क है वह एबिओलिज़ के स्टोर रहता है अगे जाके जेड़े एल एबिओलिज जोड़े है गे ने, अगे जाके जो छोटे छोटे ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर आते हैं इन्हों टिब्यूल्स बोलते हैं दे आर नोन एज टिब्यूल्स सो ये मैं ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर बनाए ने ये ने ये सारे टिब्यूल्स सो so, टिब्यूल्स जाके अगे जाके एक ओपन वाइड एरिया बनाते हैं जिसनों असं एम्प्यूला बोलते दे हैं देखो मैं थोड़ा तो एक्सप्लेन कर दी लैटस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओके सब तो पहला जिमें अगर सा एक एलवीओली है एलवीओलीस जिस दे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर आ रहा है जो अगे जाके एक वाइड पोर्शन के खुलता है इस वाइट पोर्शन असी बोलते हाँ एम्प्यूला राइट इट इज़ नोन एज एम्प्यूला और बहुत सारे एम्प्यूलाज अगे जॉइन कर रहे हैं और जॉइन करके एम्प्यूलाज जिमें एक एम्प्यूला इधरों आ गया बहुत सारे एम्प्यूलाज जॉइन करके डक्ट्स बनाते हैं और इन इन्ह डकट्स असी बोलते हाँ लैक्टीफेरस ड्र राइट सो ਫੀਮੇਲ ਮੈਮਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਜ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਲੋਬਸ ਨੇ 15 ਟੂ 20 मैमरी लोब्स जोड़े है उन्होंने अंदर एलबीओलीज़ ने जो कि मिल्क सिक्रीट करेंगे तो मैमरी डक्ट्स की हैल्प के नाम मिल्क अगे जाएगा दैन एम्प्यूला जो एक वाइड एरिया है वेद जाएगा एम्प्यूला अगर डक्ट्स जॉइन ने विच इज़ कॉल्ड लैक्टीफेरस डर लैक्टीफेरस डको मिलक जोड़ा है सख्त आउट हो जाता है बेबीओतों उस सक कर लो so, बच्चे ए, एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड uh, है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विच इज़ नोन एज मैमरी ग्लैक्ट नौ नैक्सट नैक्सट है बच्चे आपवरी का प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके ए, of ovary हाँ यह एल एस ऑफ ओवरी है हजे थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा यह डायग्रम ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ఓਵਰੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ఓਵਰੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਨੇ ਪੇਅਰ ਆਫ ఓਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਲਮਨ ਸ਼ੇਪ ਨੇ ਔਰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ఓਵਰੀਅਨ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ఓਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ 뷰 ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ఓਵਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ఓਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਦਿਸ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਮినਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ जरमीनल एपीथीलीयम राइट दिस इज नोन एज जरमीनल एपीथीलीम रईट उस तो बाद जो अंदर वाला ओवरीद सारा पार्ट्स है दो पार्ट्स ज डिवाइडेड होंगे अंदर वाला सारे पार्ट स्ट्रोमा कहने बट इस स्ट्रोमा दो पार्ट्स के डिवाइडेड है जोड़ा अंदर वाला पार्ट है उसनों असं मेड्यूला बोलते हैं और जड़ा आउटर वाला पार्ट है उसनों असी कॉटिक्स बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉटिक्स कॉटिक्स और अंदर वाला पार्ट जो है इसनों असी मेड्यूला बोलते हाँ मैड्यूला राइट सो आउटर लाइनिंग जड़ी है बाहर दैट इज जर्मीनल एपीथीलीयम इनसाइड सारा स्ट्रोमा है स्ट्रोमा के दो पार्ट्स ने आउटर पार्ट साडा कोटिक्स है और अंदर वाला पार्ट जो है मेड्यूला है अंदर वाले पार्ट भी साड बैसल्स नर्व सप्लाई वगैरह आंदा है अगर तुसी बाहर वाला पार्ट देख रहे हो सो इसते भी सानू छोटे छोटे बहुत सारे कुछ बहुत छोटे कुछ डिफरेंट स्टेजि ऑफ ग्रोथ के बहुत सारे सानू फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं ये जेडे डिफरेंट फॉलिकल्स ने डिफरेंट स्टेजिज ऑफ ऊजेनेसिज शो करेंगे, ठीक है हर मंथ जदों एक फीमेल के प्यूबिटी आती है हर मंथ सोदा तो एक जरा प्राइमरी फॉलीकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन टू ग्रैफियन फॉलीकल सो so, इस अंडरस्टैंड करा आप डिफरेंट फॉलीकल्स के स्ट्रक्चर में समझने वास्ते पहला आप नैक्सट डायग्राम देखा बच्चे ये बहुत सिंपल तरीके नाल, अलग अलग तरह के फॉलीकल्स बना के थोनू प्रीवियस डायग्राम एक्सप्लेन करने वास्ते मैं यायग्राम बनाया है सब तो पहला देखो कि ये जड़ा हैगा ओवरी है और इतने सब तो पहला मैं थोड़ी एक इंट्रस्टिंग गल दसती हाँ कि जिदा स्परमेटोजेनिस होंगे मेल के स्परमेटोजेनिस उदू शुरू होंगे जो प्यूबर्टी आती है जो, तो जो तो सैक्स हॉरमोनस बनने शुरू हो जाते हैं लेकिन फीमेल बॉडी के जोड़ा ऊ जेनिस होंदस के स्टार्ट हो जाता है जो तो फीमेल चाइल्ड अपने मदर दे, वूम के ग्रो कर रहा है हजे वो बहर नहीं आया उदों ही ऊ जेनेसिस का प्रोसैस जो शुरू हो जाता है और फीमेल की जीड़ी जो फीटस है उसकी ओवरी दिअनस ऑफ फॉलीकल्स हूँ ने कि आप ऊगोनियास बोलते हैं सो इस आप ध्यान न समझ की कोशिश करो थो डायग्राम्स मैं बहुत सिंपल बनाए ने और थोड़ा बहुत जल्दी और अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा सब तो पहला मैं इतने एक फीमेल ओवरी बनाया है और यह जी ओवरी है यह फीटस की ओवरी है बच्चे हजे मदर का डिलीवरी नहीं होया हजे बेबी मदर दॉडी के अंदर है ਸੋ ਫੀਟਸ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਾਟਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਗੋਨੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਊਗੋਨੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਊਗੋਨੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਟਸ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਊਗੋਨੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्राइमरी साइड अपने साइज की करेगा ग्रो करेगा इट बिकम बिगर इन सइज़ आपू कहे प्राइमरी साइड। माइटोसिस हो गया माइटोसिस तो बाद मियोसिस भी स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन मा मिओसिस वन हूँ की होएगा मियोसिस वन स्टार्ट हो जाएगा बच्चे बी केयरफुल मैं तेन तो बहुत इंपॉर्टेंट गल दसन जा रही हूँ मियोसिस वन स्टार्ट हो जाएगा प्राइमरी ऊसाइट के लेकिन नाल दी नाल मियोसिस वन जो है वह की होएगा स्टॉप हो जाएगा इन आप कहने अरेस्ट हो गया और किस स्टेज पर होया मियोसिस वन की प्रोफेज स्टेज प्रोफिज वन स्टेज पर यह अरेस्ट हो गया लेकिन उसके प्रायमरी फॉलीकल ने की किया कि उन्हें म्योसिज वन शुरू किया म्योसिज वन अरैसट हो गया लेकिन वो हजे रुक के नहीं बैठा उसने की किया अपने आले दुआले जेडे फॉलीकूलर सैल्स ने उन्हना एक लेयर बना ली और असी कहने ग्रेन्यूलोसा सैल दे आर नोन एज ग्रेन्यूलोसा सैल ठीक है अपने बाहर एक उसने फॉलीकुलर सैल की लेयर बना दी जेडे मैं तुम रैड कलर के नो किया है इसनों असी बोलते हाँ ग्रेन्यूलोसा सैल और इसे हूँ बन गया प्राइमरी फॉलीकल राइट एक ही बन गया प्राइमरी फॉलिकल बन गया ठीक है और हजे ए प्राइमरी फॉलिकल की है मदर दी बॉडी दे अंदर है इसके कोल मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स ने और हूँ ए स्टेज आएगी इतने मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे नेक्स्ट डायग्राम से होर क्लीयर कर दूंगी ए स्टेज पर की होएगा फीटस है उसके टू डेज पूरे हो जाएंगे और इस स्टेज पर जोड़ा फीटस है इतने मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस स्टेज पर फीटस के टू एटी डेज पूरे हो जाएंगे और पार्टुरीशन हो जाएगा यू नो जदों फीटस जोड़ा है गैसटेषन पीरियड तो बाद फीटस बाहर आ जाएगा हूँ जो फीटस बाहर आया हजे उस दे बीच की होया सी मियोसिस वन होया सी लेकिन रुक गया सी मियोसिस वन हजे पूरा नहीं होटूरिशन हो गई हूँ बच्चे दे देथ जदों उस समय मैं थोनों उस दी ओवरी दे अराउंड मिलियन टू टू थ्री मिलियनस उगोनीआस है गया. लेकिन बर्थ तो लैके प्यूबर्टी तक जिमें फीमेल बॉडी के बारह तेरह चौदह साल बारह तो चौदह साल का एज ग्रुप है जिस दे प्यूबर्टी आता है सो बर्थ तो लैके प्यूबर्टी तक की होएगा जोड़े इन्ने सारे फॉलीकल्स है जेडे ओवरी केॉलीकल्स ने हौली हौली ये फॉलीकल्स डीजनरेट होने शुरू हो जागे इस बोलते हाँ एट्रीशिया एटरीशिया की होंगे Atretia, but you let me write it again. Uh, it is Atretia A. Yes. Okay, this is known as Atretia A T R E S I A. एटरीशिया एट्रीशिया की है जदों ओबेरियन जे फॉलीकल्स ने जनरेट करना शुरू कर देंगे ने उस प्रोसैस असी एट्रीशिया बोलते हाँ जो प्यूबर्टी आँदी है थर्टीन ईयरस की एज के जो प्यूबर्टी आई उस समय फीमेल की ओवरी सिक्सटी थाउजेंड तो लैके एटी थाउजेंड तक सिक्सटी थाउजेंड तो लैके एटी थाउजेंड तक फॉलीकल्स होंगे ने बाकी सारे फॉलीकल्स जोड़े ने वो डीजनरेट कर जाते हैं राइट हूँ हुन की होंगे जदों प्यूबर्टी आँदी है सो इतें मैं थोड़ा जा दसना चाहनी हाँ कि जो तो प्यूबिटी आँदी है तो हॉरमोनल चेंजिस् होंगे ने बॉडी जोड़ा हाई मैं थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ची समझाया कि जोड़ा हाइपोथैलमस हैरमोनस रिलीज़ करता है, है गोनेडोट्रोफिन रिजिंग हॉरमोनस रिज़ करता है जो कि जाके पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं और प्यूटरी ल्यूटेनाइजिंग हॉरमोन बना एल एच एल एच जो हों ओवरी एक्ट करता है और उस जो प्राइमरी फॉलीकल बनयासी फीटस दे चेंज हो होता है इंटू द सेकेंडरी फॉलीकल्स सैकेंडरी फॉलीकल्स के चेंजिज आ रहे हैं बच्चे ध्यान न देखो बहुत इंट्रस्टिंग डायग्राम है प्राइमरी प्राइमरी प्रायमरी ऊसाइट ही है जो सेंटर के प्रायमरी ऊसाइट है लेकिन जेडे ग्रेन्यूलोजा सैल सिंगल लेयर से वह हूँ की हो गए टू टू थ्री मल्टीलेयरड हो गए राइट दूसरी गल ज ग्रेन्यूलोजा सैल्स है से उन्होंने बार जेड़े स्ट्रोमा देल से ओवरिज मैं थोड़ा स्ट्रोमा दसियासी स्ट्रोमा के सैल से उन्होंने एक होर लेयर बना ली जो मैं ग्रीन के नाल बनाया है इसनों असी बोलते हाँ थीका लेयर ठीक है सो जो प्राइमरी फॉलीकल तो सैकेंडरी फॉलीकल बनया प्यूबर्टी के टाइम त उस समय की होया प्राइमरी ऊसाइट प्रायमरी ऊसाइट ही है हजे लेकिन ग्रेन्यूलोजा मल्टीलेयर हो गया और ग्रेन्यूलोजा के बार थीका लेयर बन गई जो कि साढ़े स्ट्रोमा सैल्स तो बने सो so, ये जोड़ा स्ट्रक्चर है इसनों असी बोलिया सेकेंडरी फॉलिकल, राइट सो दिस स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज सैकेंडरी फोलीकल हूँ की होएगा जेडा मियोसिस वन साडा फीटस के रुक गया सिगा, ओ मियोसिस वन कंप्लीट होएगा। और जो वन कंप्लीट होएगा इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, जोड़ा सेकेंडरी फॉलीकल है ये भी डिप्लॉयड है प्राइमरी फॉलीकल भी डिपलॉयड है उपर उगोनियाज़ भी डिप्लोयडे हूँ साढ़ा फस्ट म्योसिस होगा जिस दे बनने के एक होएगा व्डा सैल और बहुत छोटा सैल बनेगा इस असी बोलते हाँ फस्ट पोलर बॉडी राइट ये पोलर बॉडीज़ अगे जाके डीजनरेट कर जाते हैं और बिग सैल बन गया और एस तर्श्री फॉलिकल, तर्श्री फॉलिकल, क्योंकि इस हम असी बोला टर्शरी फोलीकल टर्शरी फोलीकल क्योंकि इसके थोड़े कुछ चेंजिज थो uh, थो so, तो हो ही मैं पिछला डायग्राम डिफरेंट स्टेजिज़ ऑफ उगोनिया थोड़ू मैं शो किए सो य स्ट्रक्चर माइमिओस वन बाद बनया दनों डिप्लॉयड हो गए एन एंड एन क्रोमोजोम नंबरस आर रिड्यूस टू हाफ हूँ इतने बच्चे कुछ चेंजिज हो रहे हैं बहुत ईजी है थोड़ा तो बहुत जल्दी समझ आएगा अगर थोड़ा तो सेकेंडरी फॉलीकल का स्ट स्ट्रक्चर समझ आएगा तो थोड़ा ये बहुत जल्दी समझ आएगा हूँ क्योंकि मियोसिस हो गया तो अंदर हूँ प्रायमरी ऊसाइट तो बन गया सैकेंडरी ऊसाइड प्राइमरी ऊसाइड सीपलोइड सेकेंडरी ऊसाइट की है इट इज़ हैपलोयड राइट उसके बाद ग्रेन्यूलोसा सैल् मल्टीलेयरस है उस तो बाद इत चेंजिस् हुए प्राइमरी प्रायमरी साइड तो बन गया सैकेंडरी साइड जेडे ग्रेन्यूलोजा लेयर हैं उन्होंने कैविटी बनन लग गई एक छोटी जी मैं कैविटी बनाई है इस कैविटी असी कहने हाँ एंट्रम सैकेंड चेंज थर्ड चेंज थीका जोड़ा सायर थीका लेयर के हूँ दो लेयर बन गए टू पार्ट्स बन गए एक बिल्कुल अंदर अटैच हो गया दैट इज़ थीका इंटरना जो मैं ग्रीन नाल बनाया है उसके बाहर थोड़ा दूर थीका दी थी, सेकंड लेयर बन गई दैट इज़ थीका एक्सटरना इस फॉलीकल असी टर्शरी फॉलिकल बोलेंगे बच्चे मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इतने थोड़े की की चेंजेस आएंगे फिर एक बार समझो जदों मियोसिस हो गया तो टर्शरी फॉलीकल बन गया टर्शरी फॉलीकल के साकेंडरी ऊसाइट आ गया विच इज़ हैपलॉयड दूसरी गल जे ग्रेन्यूलोजा मल्टीलेयर वैविटी बन गई जिसू बोलते हाँ एंट्रम और ए फलुड फील्ड कैविटी होंगी है और थीका दो पार्ट्स के डिवाइडिड हो गया थीका एक्सटरना बाहर वाली साइड से और थीका इंटरना अंदर वाली सइड से सो यह हो गया साडा टर्शरी फोलीकल राइट ਟੈਸ਼ਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲਿਕਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਓਵਿਓਲਿਸ਼ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲਿਕਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਨ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨਿਊਲੋਸਾ ਸੈੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੀਕਾ ਐਕਸਟਰਨਾ ਥੀਕਾ ਇੰਟਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ हूँ इतें चेंज की हो जो सारा कैविटी है अंदर जे इस कैविटी को ध्यान न देखोगे ये जी सारी कैविटी है ए एंट्रम कि व्डा हो गया पूरी एक बिग कैविटी बन गई जिसनों असी बोलते हाँ एंट्रम और एंट्रम के बाहर एंट्रम सारी जेड़ी इस सारी इस जी कैविटी है इट इज़ फ़िल्ड विद द फलुइड हूँ होर एक इंपोर्टेंट गल जो कि एक कॉम्पीटेटिव एग्जाम का भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जोड़ा सा सेकेंडरी ऊसाइट है उसके बाद जोड़े साडे फॉलीकूलर सैल ने जो मैं ब्ल्यू कलर की एक लेर बनाई है दैट इज़ नोन एज दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसीडा इत मैं लिखे जोना पेल्यूसीडा ठीक है जोना पेल्यूसीडा जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि सैकेंडरी ऊसाइट के बाहर बन रही है ठीक है जोना ब्ल्यू कलर की लेयर है दिस इज जोना पेलियोसीडा जोना पेल्योसीडा के बाहर एक मैं होर लेयर बनाई है पिंक कलर की यह जड़ी लेयर है इसनों अं बोलते हाँ कोरोना रेडिएटर। इट इज़ कोरोना रेडिएटर, राइट सो यी लेयर है इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट वेट बच्चे ओके सो यी लेयर है यू असी कोरोना रेडिएटा बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा सो सेकेंडरी साइड के बार की है जोना पेल्यूसीडा है जोना पेल्यूसीडा बार की है कोरोना रेडिएटा है उस तो बाद साड़ी कैविटी है जिन्हों आप एंट्रम बोलते हाँ विच इज़ फील्ड विद द फ्लूइड और कैविटी तो बाद ग्रेन्यूलोसा सैल की लेयर है फिर साडा थीका एक्सटरना और थीका इंटरना है और इस समय साढ़े साइड स्टेज पर है सेकेंडरी स्टेज पर है सो ए स्ट्रक्चर बनेगा इसी बोलते हाँ ग्रैफियन फॉलिकल सो एदाद एक अगर मैं होर डायग्राम लिया बच्चे ओके डायग्राम देखो एक ग्रैफियन फॉलिकल का डायग्राम है हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया मिच्योर फॉलीकल है फियन फॉलीकल बोलते हैं so, सो इसकी थी थी थीका एक्सटरना थीका इंटरना टू येयरस ने दैन ए दे अंदर इन ब्ल्यू वाला जो है न्यूकलीयस है उस तो बाद सैकेंडरी ऊसाइट है सेकेंडरी ऊसाइट तो बाद दोेयरस ने साडिया दैट इज सब तो पहला मैं जोना पेल्यूसीडा अंदर वाली है अंदर वाली जोना पैल्यूसीडा और बाहर वाली जी हैरोना रेडिएटा है उस तो बाद <coughs> okay. उस तो ये सारी कैविटी है विच इज़ फील्ड विद द फलुइड दिस इज़ नोन एज एंट्रम देन आउटसाइड साडे थीका एक्सटरना थीका इंटरना और अन उस तो बाद जो है मल्टीलेयर जगे वॉलीक्यूलर सैल्स ने विच इज़ ग्रेन्यूलोजा लेयर राइट ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅ ਸਟੇजेस ਨੇ ਫੋਲਿਕੂਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰam ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਐਲ ਐਸ ఓਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲਿਕਲਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਥੈਨ ਟ੍ਰਿਸ਼ਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰੈਫੀਅਨ ਫੋਲਿਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਫੀਅਨ ਫੋਲਿਕਲ ਬਣੇਗਾ उस समय की होएगा उस समय जदों साडा जेकेंडरी ऊसाइट है ओ रिलीज़ हो जाएगा फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल और इस प्रोसेस प्रोसैस नीं की बोलते हाँ ओव्यूलेन बोलते हैं सो so, ऊजेसिस की सगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम सगा सो so, जो ग्रेफियन फॉलिकल तो साढ़ा ओवम रिलीज़ हो जाए इस प्रोसेस प्रोसैसों असी ऊजेनेसिस बोलते ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲਿਕਲਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਤਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਗ੍ਰੈਫੀਨ ਫੋਲਿਕਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ राइट हूँ ओव्यूलेशन इतने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी ओव्यूलेशन हो रही है ओव्यूलेशन कि स्टेज पर होएगी ओव्यूलेशन हमेशा सेकेंडरी ऊ साइड स्टेज पर ओव्यूलेशन हुई है मियोसिस वन होया है उस तो बाद मियोसिस वन स्टॉप हो गया मिओसिस वन स्टॉप हो गया मियोसिस टू हजे नहीं होया, होसिसिस टू होएगा, फर्टिलाइजेन के टाइम पर जो स्पर्म आएगा उस समय मियोसिस टू होएगा सो फीमेल की जी ओवरी है जो सैकेंडरी ऊसाइड स्टेज पर होएगी इस ओवम जोड़ा है रिज हो जाएगा राइट नौ हो आई होप ये सारे डायग्राम डायग्रामू समझ आ गए होंगे होैक्सट एक ग्रैफियन फोलीकल का डायग्राम है एड्ते डिफरेंट पार्ट्स मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हाँ नैक्सट बच्चे एक मैं फ्लो चार्ट बनाया है ऊजेनिसिस का ऑलरेडी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हाँ एक बार फिर आप देखते हैं ऊगोनीयम पहला माइटोसिस होएगा प्राइमरी ऊसाइड बनेगा उस तो मिओसिस वन जो है फिटस बॉडी के रुक जाएगा और फीटस जोड़ा है वो प्राइमरी ऊसाइट बना देगा प्र प्रोफेस वन स्टेज पर जड़ा हैगा वह रुक गया उस तो बाद पैटूरीशन हो गया फीटस जो है डिलीवरी होगी बहर आ गया प्यूबरिटी के टाइम पर सिक्सटी थाउजेंड तो ए थाउजेंड फॉलीकल्स बचते हैं बाकी सारे एट्रीशिया हो जाता है ठीक है हूँ की होगा प्रायमरी ऊसाइट अपना म्योसिज़ वन कंप्लीट करेगा क्योंकि मेोसिज वन शुरू फीटस ज हो गया से बट जब पूरा नहीं हो जो म्योसिज वन कंप्लीट होएगा तो दो बॉडीज़ बनन छोटी बॉडी जी बनी सी दैट इज पोलर बॉडी और दूसरी जी बिग बॉडी बनी थ दैट इज सैकेंडरी ऊसाइड हूँ इतने फेर मियोसिज वन रुक गया इतने मैटाफेज स्टेज कॉम्पीटेटिव क्वेश्चन है गर्ल्स मैटाफेस टू स्टेज होंगी है जो फिर तो मा मिओसिस जी मिओसिज वन रुक जाती है सो इतने की हो जाता है ओव्यूलेन हो जाता है ओव्यूलेन कितों होगा ग्रैफिन फॉलीकल तो होएगा तो और जो ओव्यूले होया तो सैकेंडरी ऊसाइड स्टेज हैगी है ठीक है ड़ी दो ड़ी दो ड़ी श... और नाल की होएगा हुन हजे मियोसिस टू कंप्लीट होना है मियोसिस टू कदों कंप्लीट होएगा मियोसिस टू उदों कंप्लीट होएगा जदों सेकेंडरी ऊसाइड कोल स्पर्म का कॉन्टैक्ट होएगा फर्टिलाइजेशन आएगी जो फर्टिलाइजेशन होएगा तो होएगा मियोसिस टू इतने मैं स्टार बनाया देखो मियोसिस टू उदों कॉन्टिन्यू होएगा फिर सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड करेगा और ओवम एंड सैकेंड पोलर बॉडी सैकेंड पोलर बॉडी बनेगी और उस सा बनेगा ओवम बनेगा सो so, इस ऊ जेनिसिस का प्रोसैस कंप्लीट होएगा जो कि एक डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है right? so, बच्चे इतने आई होप य फ्लोचार्ट है मैं थोड़ा बहुत एक इलासट्रेशन के नक्सप्लेन किया होप तो यह समझ आ गया होएगा दूसरी गल होर इतने एक मैं एक्सप्लेन करनी है कि जदों फीमेल के प्यूबर आती है तो जो फीमेल प्यूबरिटी आती है उस स्टेज पर की होंगे सॉरी बच्चे लेट्स कंटिन्यू जो तो फीमेल के प्यूबरि आँदी है उस समय जो फीमेल का है वो हैरमोनस रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीज़िंग हॉरमोनस ने जो प्यूट्यूटरी से एक्ट करते हैं और प्यूट्यूटरी एल एच के एफ एच बना ओवरीज एक्ट करते हैं ठीक है उस दे जोड़े फॉलीकल्स ग्रो कर रहे हैं वो फीमेल के सैक्स हॉरमोनस बनाते हैं एसट्रोजन प्रोगैसट्रॉन प्रोगे प्रोजेसट्रॉन आप देखा इस फीमेल केकेंडरी करैक्टर्स आते हैं जिमें मैनसुरे स्टार्ट हो जाती है ब्रैसट ग्रो

सो so, बच्चे दैट सॉल्व फॉर टूडे आई होप अज का टॉपिक थोड़ा जा मुश्किल से बट मैं डायग्रमेटिक इलस्ट्रेसन इस समझाने की कोशिश की है तुम इस ध्यान पढ़ो एनू रिलेट करो और जोड़ी फ्लोचार्ट ऊजेनिसिस है उसको ध्यान न समझो आई होप यह थो बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो जाएगा तूर तो कोई भी डाउट है दैन यू कैन आसमी यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द वॉटअप आई विल ट्राई टू आंसर ये थैंक यू सो मच हैव थैंक यू सो मच बच्चे हैव ए ग्रेट डे